अगर आप कभी भी गोवा में आते हो तो कभी भी तो डिस्को तो जाना है यार, और जो सारे मजे करना, मगर एक बार जरूर। वेलकम टू माय चैनल मस्ट लाइफ, अमित कुमार। जैसे कि मैं आज कुछ कर नहीं रहा था और घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया, तो मैं सोचा चलो आपको लेकर चलता हूँ किसी बीच पर। मगर अभी शाम हो गया है 6:30, तो मैं थोड़ा ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बामबोलिम, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ इवनिंग वॉक के लिए। और अभी जस्ट चलो आपको दिखाता हूँ, और ये है ग्रैंड हयात होटल, और देख लो रोड। शाम के सारे लोग बाहर जा रहे घूमने, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी लेकर चलता हूँ कहीं आपको, कहाँ लेकर चलो मैं सोच रहा था। तो बस जहाँ पर मैं रहता हूँ गोवा में, उससे मुश्किल से 7 मिनट के दूरी पर मैं जा रहा हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ, शायद आपको वो जगह पसंद आएगा। चलो दिखाता हूँ, देख लो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने गाड़ी को यहाँ पर पार्क करके वहीं पर गए हैं जहाँ पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। राइट लूँगा और जाएंगे बीच पर। चलो थोड़ा मज़ा करते हैं बीच पर, बहुत दिनों के बाद मैं अब बीच पे लेकर चल रहा हूँ आपको। मैं ये रोड को छोड़ता हूँ और चलता हूँ इस गली में। चलो चलते हैं, और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये ग्रैंड हयात का बाउंड्री है एक ग्रैंड हयात होटल साइड से, और मैं जस्ट इसके बगल में जा रहा हूँ। और मैं बता दूँ ये पंजी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। गली में मतलब नैरो रोड है, ज़्यादा चौड़ा नहीं, आप अपने कार को लेकर नहीं जा सकते इस गली में, इसलिए मैं चल रहा हूँ। और देख लो साइड में लोग अपने 2-व्हीलर को पार्क भी किए हैं, बहुत लोग दूर से भी आते हैं, पंजी से भी आते हैं, क्योंकि ये ग्रैंड हयात होटल की वजह से ज़्यादा फेमस है बामबोलिम बीच। लोग इसे प्राइवेट बीच भी बोलते हैं, बहुत कम क्राउड होते हैं। तो मैं भी आपको वहीं पर लेकर चलने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं और मज़ा करते। मैं कोशिश कर रहा था आपको सनसेट दिखाऊं, मगर क्या करूँ जल्दी जल्दी करते 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 लेट हो गया। एक्चुअली मैं एक्सरसाइज करने में लग गया था, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऐसा बीच पर लेकर चलूँगा जहाँ पर जाकर मैं आपको सनसेट का एक नज़ारा देखने को मिलेगा। चलो अब यहाँ से जाके मुझे करना है डाउन, सो आपको मिलेंगे सैंड। अब चलते हैं ऐसे, और आप देख लो जब डाउन में आप तो कुछ इस तरह से, यार रियली इट्स लवली प्लेस। इस टाइम मैंने डिसाइड करके आया था कि मैं यहाँ पर आकर वीडियो बनाऊंगा, तो चलो चलते हैं बीच पर। मैं अभी बीच पर आ गया, कौन सा बीच? बामबोलिम बीच, जहाँ पर आपको देखो कुछ इस तरह से पीछे लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, यहाँ पर कबड्डी भी खेलते हैं। जो मन मतलब जो लोग एक ज़्यादा संख्या में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, एक ग्रुप में बट करो यहाँ पर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। और मैं बता दूँ वन ऑफ द बेस्ट बीच है, जहाँ पर मुझे कभी भी अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर है नहीं। मैं वॉकिंग भी आ जाता हूँ कभी कभी, और कभी कभी अपने बाइक से भी आ जाता हूँ यहाँ पर। और जैसे कि देख लो ये बीच कुछ इस तरह से दिखता है, और कुछ लोग अभी भी स्विमिंग कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो चलो और आगे लेके चलता हूँ, क्या आपको मैं दिखला सकता हूँ इस बीच पर। और मैं बता दूँ गोवा में अगर आप आते हो, कहीं भी ठहरते हो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए, ज़रूर आप बीच पर जाना, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। जैसे मैं क्या बताऊँ, कभी अगर जाओगे तो उसका आप आनंद उठाओगे। यहाँ का जो लोकल लोग हैं आकर यहाँ पर फुटबॉल भी खेलते हैं, जैसे कि आपने देखा मॉर्निंग में भी लोग आते हैं और इवनिंग में भी आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने मत देख लो एक नाव है, जब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जाकर यहाँ पर मछली मारते हैं। तो चलो आपको दिखलाता हूँ शायद मछली उन्होंने पकड़ा है कि नहीं, अगर पकड़ा है तो चलो आपको दिखलाता हूँ कौन सा मछली उनको मिले हैं आज। अगर आप यस बामबोलिम बीच में आते हो, तो यहाँ पर जो मछली मारने जाते हैं उनके लिए 2 जाली होता है, एक होता है क्रैब के लिए और एक होता है फिश के लिए। तो अभी हमने जो देखने आया इसमें मिला है सिर्फ क्रैब। चलो आपको दिखलाता हूँ क्रैब, देख लो ये है क्रैब, ये है क्रैब, ये है क्रैब, और इधर आंटी भी क्रैब निकाल रही है। तो यहाँ पर 2 जाली होता है, एक मछली के लिए अलग होता है, क्रैब के लिए अलग होता है। तो आपको दिखलाता हूँ अभी क्रैब, देख लो आप इसे पड़ा हुआ है क्रैब। और मैं यहाँ पर बता दूँ क्रैब एक टाइप्स ऑफ सी फूड में आता है। अगर आप गोवा में आते हो या कभी भी कहीं भी आप कोस्टल एरिया में जब जाते हो, तो आपको क्रैब और प्रॉन्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रैब दिखाया, एक क्रैब था, रियली खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। जैसे ही बामबोलिम बीच में जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ का जो बीच है ना ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि आप देख लो
हमारे पीछे आप जो हमारे आप पीछे देख रहे हो ये क्या है? समुंदर समुंदर है। और आप देख लो लाइट, वो वास्को डी गामा। और जब आप इधर देखते हो तो एयरपोर्ट, जस्ट आपको एयरपोर्ट है इधर। तो चलो लेके चलते हैं कुछ आगे, जहाँ पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं जाकर बैठने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ मैं कहाँ पर बैठ रहा हूँ, और जाकर ये घंटा बैठ कर यहाँ पर मजा करने वाले हैं, नज़ारा लेने वाला हूँ बामोली बीच का। और मैं बता दूँ आप हमारे पीछे, जैसे कि आप लाइटिंग देख रहे हो, आप भी बताओ लाइटिंग कैसा लग रहा है। और मैं बता दूँ यहाँ पर बैठने के बाद इतने ठंडे ठंडे हवा लग रहे हैं यार, इसका मज़ा ही कुछ और है। अगर आप कभी भी गोवा में आते हो तो कभी भी तो डिस्को तो जाना है यार, और जो सारे मज़े करना, मगर एक बार जरूर आप किसी भी बीच पर जाकर एटलीस्ट आधा से एक घंटा बिताना। मैं बता रहा हूँ वो जो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा ना, वन ऑफ द बेस्ट होगा। जरूर कभी भी किसी भी बीच पर जाकर इवनिंग में आफ्टर 7-8 o'clock जाकर जरूर बिताना। और अगर हो सके तो बामोलिम बीच पर भी आना। अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता है, बहुत कम क्राउड मिलता है, और इस तरह का लाइटिंग का आप आनंद उठा सकते हो। सी का उस पार मतलब वास्को डी गामा, और यहाँ से आप देख सकते हैं एयरपोर्ट। जब भी कोई एयरप्लेन लैंड, आपको यहाँ से भी इसका नज़ारा देख सकते हो। रियली इट्स लवली टाइम मैं आज स्पेंड कर रहा हूँ बामोलिम बीच। तो आप भी देख लो कुछ इस तरह से दिखता है नाइट में। अगर आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक जरूर करना। और साथ में अगर इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई भी इस तरह का वीडियो डालूं तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं कोशिश करता हूं कि जितना अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। और आप देख लो लाइटिंग। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर। जैसे कल मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, और मैं जल्द ही मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, मतलब मैं साउथ में आपको लेकर चलने वाला हूँ। और मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है साउथ के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, तभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।